यूके में। अच्छा वो दो साल में कीमत पूरी करते हैं, हमारे पाकिस्तानी इतने अच्छे हैं, मुझे शर्म आती बात करते हुए कि उन्होंने ना कहा इसको इंश्योरेंस करवाते हैं, इंश्योरेंस भी करवा दी यूके वालों ने, कहा उन्होंने कहा आईफोन को इंश्योरेंस करवाएं आप, इसकी चोरी हो सकता है कुछ। हमारे पाकिस्तानी क्या करते हैं, आईफोन लिया, कोई आया उसे कहा इसको पाकिस्तान ले जाओ, बाद में इंश्योरेंस वाले से क्लेम कर देते हैं हमारा आईफोन चोरी हो गया। और जब एशियन की शॉप पे जाएंगे ना, हमारे पाकिस्तान वाला हाल है, 10 गुना चीज़ महंगी देते हैं यूके में भी, और जो इंडियन के आप खाएंगे ना स्टॉल से वो 10 गुना सस्ती होती है। देखो मैंने गवर्नमेंट ने बुक्स दे दी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में आपको जी बुक्स फ्री कर दी है, हो गई फ्री, मज़े के है, बुक्स लेते हैं, बच्चा हमने भेजा बुक्स मिल गई, चलो आप बच्चे को प्राइवेट भेज दो, बुक्स तो मिल गई। कहते हैं हिंदू जो है वो मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता, या यहूदी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता, भाई नहीं हो सकता। मुसलमान का दुश्मन है तो मुसलमान ही है, मुसलमान हिंदू क्या, कोई दुनिया का कोई आदमी जो कि मुसलमान नहीं है वो मुसलमान को कोई जिक नहीं पहुंचा सकता। इसको जब भी मारेगा मुसलमान ही मारेगा, और आज अगर मुसलमान को मार पड़ रही है उसकी वजह फिर मुसलमान। दोस्तों दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे इन्होंने अपना गंद ना ढोला हो। पाकिस्तानियों ने जहाँ भी गए हैं, क्योंकि इनके खून के अंदर इतना ज़्यादा मिलावट है कि हर जगह ये फ्रॉड करने की सोचते हैं, ये सिर्फ दो नंबर सीखते हैं, ये ईमानदार तो कहीं से है ही नहीं, बची ही नहीं, ख़त्म हो चुकी है, इनकी नस्लों भी ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तानी आपको कोई नहीं ईमानदार मिलेगा, कोई शरीफ नहीं मिलेगा, ये सिर्फ बेईमानी से ही जिए हैं ज़िंदगी भर। मजेदार बात ये है कि हर बात पर ये इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह भी बोलते हैं, भगवान का नाम भी लेते हैं, और दुनिया जान के फ्रॉड जो है वो सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे तो पाकिस्तानी से मिलेंगे। इसीलिए इनको सऊदी भी ठुड मारते हैं, शेख इनको मार मार के भगाते हैं, कुत्तों की तरह काम करवाते हैं, ये हैं इसी लायक। अब देख लीजिए ब्रिटेन में जाके भी ये कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं। आप प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थैंक यू वेरी मच। लास्ट दिनों यूके गई थी, यूके का सीन ये है, वहाँ पे आईफोन लेते हैं, देखे वहाँ पे उन्होंने इंस्टॉलमेंट, मतलब आपने मंथली आपने ना एक छोटी सी इनकम देनी है उस पर आपने आईफोन लेना, अदरवाइज 6 लाख और 7 लाख का कोई आईफोन खरीद सकता है पाकिस्तान में भी और यूके में भी? नो, उन्होंने क्या करना है, कोई भी जाए वहाँ पे क्रेडिट चलता है, चल के उन्होंने कहना कि ये आप इतना सा ना हमें पे कर दें इंस्टॉलमेंट, उन्होंने ना वो सोच लें कि वो आईफोन 2 साल में उसकी कीमत पूरी करनी है यूके में। अच्छा वो 2 साल में कीमत पूरी करते हैं, हमारे पाकिस्तानी इतने अच्छे हैं, मुझे शर्म आती बात करते हुए कि उन्होंने ना कहा इसको इंश्योरेंस करवाते हैं, इंश्योरेंस भी करवा दी यूके वालों ने, कहा उन्होंने कहा आईफोन को इंश्योरेंस करवाएं आप, इसकी चोरी हो सकता है कुछ। हमारे पाकिस्तानी क्या करते हैं, आईफोन लिया, कोई आया उसे कहा इसको पाकिस्तान ले जाओ, बाद में इंश्योरेंस वाले से क्लेम कर देते हैं हमारा आईफोन चोरी हो गया। तो फिर हमें क्यों कोई एंट्री देगा किसी कंट्री में, हम लोग तो हर तरह पाकिस्तान में हर जगह गंद डाला हुआ है। मैं आपको सही बताऊँ, मुसलमान नाम के रह गए हम लोग। यूके में तो काफी सारे पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करके पाकिस्तान भी भेज दिया गया, वो जो पकड़े जाते हैं उनको डिपोर्ट करते हैं। क्या फर्क है इंडियन में एक पाकिस्तानी में? इंडियन ज्यादा अच्छे हैं। क्यों? उनमें इतनी बेईमानी नहीं जितनी हमारे पाकिस्तानी, बता तो रही हूँ, 1-6 लाख का आईफोन आप यूके से ले, अगर यही एक इंडियन खरीदता है वहाँ पर तो उसका क्या रिएक्शन होता है? वो उनकी आप जाए ना शॉप पे, आप उनकी वजह ज्यादातर उनकी ये होती है फूड्स की, एक एशियन फूड्स है बंगाली रोस्ट ये ग्रिल ये वो, और जब एशियन की शॉप पे जाएंगे ना, हमारे पाकिस्तान वाला हाल है, 10 गुना चीज़ महंगी देते हैं यूके में भी, और जो इंडियन के आप खाएंगे ना स्टॉल से वो 10 गुना सस्ती होती है। अब बताएं हमारे पाकिस्तान हर जगह गलत है, हमारी यूके में 10 गुना ज्यादा और इंडियंस की 10 गुना कम। अपने ही मुसलमानों को, मैं एशियन हूँ तो मैं कहूँगी ना मुझे ये वेजिटेबल दो, ये चिल्ली दो, ये दो वो दो, है इतनी प्राइस अच्छा, उसके अदरवाइज मैं दूसरी शॉप पे, वो कहेंगे भाजी हम इंडियन है क्या, 3 पाउंड का वो एक अचार का डिब्बा देते हैं, और वही अगर आप एशियन शॉप पे लें ना वो 6 पाउंड का देंगे। अब देखें आपको कोई क्यों एंट्री देगा, इंडियन से लें तो 3 पाउंड का, पाकिस्तानियों से लें तो 6 पाउंड, आपको कोई क्यों एंट्री देगा मुझे बताया, आपको कोई क्यों दे? और आईफोन पाकिस्तान भेज देते हैं, क्लेम कर देते हैं, वो घोड़े बेचारे आपको नया आईफोन दे देते हैं, जब वो आपके पास नया आईफोन आ जाता है तो 6 लाख एटो पे, पता क्या हराम खाना इनको रास आ गया। मैं पाकिस्तान तो करेंगे 2 नंबर काम करने के लिए, उन्हें तरक्की कहाँ से आ गई? आप ये देखें कि सर्टिफिकेट तक खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं? ये डिग्रीज वगैरह
सर्टिफिकेट खरीदते हैं, जाली डिग्री एजुकेशन नहीं है। 2 रुपए की पेंसिल होती थी, अब वही पेंसिल 30 रुपए की, 50 रुपए की पेंसिल। अब हम बच्चे का पॉकेट मनी पूरा करें, पेंसिल पूरी करें, कॉपी पूरी करें, जो मैंने गवर्नमेंट ने बुक्स दे दी है, तो गवर्नमेंट स्कूल में आपको जी बुक्स फ्री कर दी है, हो गई फ्री। मजे के है, बुक्स लेते हैं, बच्चा हमने भेजा, बुक्स मिल गई, चलो आप बच्चे को प्राइवेट भेज दो, बुक्स तो मिल गई। बालों मेरे सर में खाक, हद हो गई है यार। ऐसा ही रहा तो कहाँ देखती हैं आप हमें, कोई हम बाहर ही नहीं जा पाएंगे। नहीं तो हम इस काबल हैं, कौन सा मुंह लेके बाहर जाओगे। हमें भारत को बड़ा गंदा कहते हैं, तो वो अच्छा है, भारत अच्छा हमसे अच्छा। अच्छा अपने लिए तो सही है ना। उनका आप देखे सबसे बड़का छोड़े, इतना सा बच्चा है ना, उनके बच्चों की सबसे जो एजुकेशन है ना, हर बच्चे ने उन्होंने इंग्लिश में बात करनी है। अगर आप एक पढ़ी लिखी माँ दोगी, मैं आपको पढ़ी लिखी कौम दे दूंगा। तो हमारे मुल्क में क्या है, आप सबसे बढ़कर मैं बताती हूँ, औरत बेचारी को निकलने कहाँ देते हैं, गरीब औरत को। सर क्या मोदी एक लीडर है जिसको इतनी प्रायोरिटी दी जाती है? यकीनन है, उसने प्रूव किया कि ही इज अ लीडर, उसने प्रूव किया कि वो एक जिम्मेदार आदमी। हमारा लीडर तो वो अपने होता है खानदान के लिए, उनका लीडर मुल्क के लिए, कौम के लिए, और वो सोचता भी है, उसकी फिक्र भी करता है और उसमें अमल भी करता है। ये काकड़ के कड़ाके निकले हुए कहते हैं हिंदू जो है वो मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता, या यहूदी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता, भाई नहीं हो सकता। आज अगर हम देखें तो मिडिल ईस्ट को एक ग्रैब कर दिया है मोदी ने, मोदी का एक नारा है अब की 2024 में, उसने कहा है वन अर्थ वन फैमिली। मैं इसमें एडिशन ये करूँगा कि मुसलमान का दुश्मन है तो मुसलमान ही है। मुसलमान हिंदू क्या कोई दुनिया का कोई आदमी जो कि मुसलमान नहीं है वो मुसलमान को कोई जिक नहीं पहुंचा सकता। इसको जब भी मारेगा मुसलमान ही मारेगा, और आज अगर मुसलमान को मार पड़ रही है उसकी वजह फिर मुसलमानों ने ही मुसलमान को नुकसान पहुंचाया, चाहे वो किसी दौर में आ जाएं, किसी शक्ल में आ जाएं, किसी तारीख में आ जाए। वो हमें इतनी जरूरत नहीं है कि हम कह सकें, हमें इतनी जरूरत नहीं है कि सच बोल सकें। सच तो हमें सख्त नफरत है, हमें तो हिस्ट्री भी बच्चों को गलत बताई है, सब गलत, अभी भी बता रहे हैं गलत। इसका मतलब ये हुआ ना कि हम पैसों के भूखे और वो काम के भूखे हैं। हाँ ये भी वजह, ये बहुत बड़ी वजह उनके लिए ना, काम बहुत वैल्यू रखता है, पैसे उनके लिए वैल्यू नहीं रखते, काम बहुत वैल्यू रखता है। सही बात है, तभी तो आज देखे ना दुनिया की 5वीं बड़ी लिस्ट में वो आ गया है, वो अपनी धरती से प्यार करते हैं, हम सिर्फ पैसा 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 करते रहते हैं। हाँ ये बहुत बड़ी वजह है, ये बहुत बड़ा रीजन है। उसके साथ साथ आप देखे इंडियन हर जगह पे है, इंडियन हर जगह पे है। मैं बेसिकली फॉरेन में भी रहा हूँ ना, बॉर्न एंड रेस्ड दुबई, तो वहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है ना, एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करती, अनफॉर्चुनेटली माजरत के साथ। इंडियन कम्युनिटी में ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है, उनमें कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा है। मैं वहाँ की सुपरमार्केट से बाहर निकला तो मुझे पाकिस्तानी मांगता हुआ मिला, सीरियसली आई एम नॉट किडिंग, फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे बाहर मांगने में कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मीन्स हमारे अब कम्युनिटी का नाम खराब कर रहे हैं कि ये पाकिस्तानी है। वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि ये हुसैन है, ये लाहौर से है, ये इस्लामाबाद से है, यही देखा जाता है ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान से आया हुआ, ये भीख मांग रहा है। पाकिस्तान के लोग ऐसे ही करते हैं। कितनी शानदार रेपुटेशन बना रखी है दोस्तों इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अपनी, और फिर भी इनको शर्म नहीं आती है, लूट लूट के अपने मुल्क को खा गए हैं, ये कंगला भिखारी बना दिया है, जगह जगह पे इन्होंने अपने मुल्क को बेच रखा है, हर एक देश को इन्होंने छोटे छोटे टुकड़े बेच रखे हैं, और फिर भी इनको शर्म नहीं आती है, और फिर भी ये भारत से नफरत करके बैठे हुए हैं। भारत से अगर इन्होंने दोस्ती की होती तो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए होते, लेकिन अच्छा है, इनसे दूर रहना ही हमारे लिए सही रहेगा, क्योंकि ये वो लोग नहीं है जिनके साथ हमारी कोई दोस्ती जारी हो, क्योंकि जिस दिन ये हमारे साथ दोस्ती करेंगे ये हमारी पीठ में बहुत छुरे मार चुके हैं दोस्तों, इसलिए इनसे तो दूर रहना ही सबसे अच्छा है। इनको भीख मांगने के लिए ठीक है, इनको मोदी जी ने सही भीख का कटोरा पकड़ा दिया है कि जाइए भाई साहब पूरी दुनिया के अंदर भीख मांगिए, और जब दुनिया भीख देना बंद कर देगी तब इनके जो असली टुकड़े होंगे ना तब देख के ज़्यादा पता लगेगा। दोस्तों प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।